नगर पार कर जाते हुए हमें अचानक ये वाला व्यू नज़र आया जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है और हम इसकी वीडियो शूट बनाने के लिए रुक गए। आपकी चाय बहुत ज़बरदस्त है, चाय पी हमने यहाँ पे। अरे नवमी भाई क्या हाल है, आप लोग पहुँच गए दारू की चाय पी इमरान साहब के होटल पे। और वसीम भाई अब आप परेशान नहीं हैं, आप लोग बताइए 11:30 बजे चले। इस वक्त सुबह के 6:45 बजे और हम मदीन शहर के करीब आ गए। होटल बहुत अच्छे हैं और कोयटा शाहजी प्याला होटल। एक खतरा ये है कि यहाँ कुत्ते बहुत ज़्यादा। सुबह होने वाली है और मंज़र बहुत अच्छा लग रहा है। वसीम भाई ने रात के अंदर बहुत उधम ड्राइव की है और स्पेशली यहाँ जो सुबह उसमें जो एक खुशबू आ रही है इस एटमॉस्फेयर की वो बहुत अच्छी है। अभी नगर पार्कर पहुँचने में कितना टाइम है? नगर पार्कर पहुँचने में तकरीबन 3 घंटे 48 मिनट 3 hours 48 minutes का सफ़र है और इस सफ़र में इंशाल्लाह हम आफ्टर 3 hours 3.5 hours हम नगर पार्कर में होंगे इंशाल्लाह। और ड्राइवर भी बहुत ज़्यादा है, थोड़ी थकन फील हो रही है, नींद भी आ रही है, लेकिन बस भाई नींद बने वो बहुत अच्छा है। उन्होंने गाड़ी खींची और बहुत अच्छी ड्राइव की और अभी उन्हें थोड़ी सी हिम्मत और कर दी तो इंशाल्लाह ये सफ़र रोशनी अच्छी हो गई है, अब गुजर जाएगा, अब ज़्यादा मज़ा आएगा। नगर पार्कर के रास्ते में है और नुमान भाई जो है वो तस्वीरें बनाने में मसरूफ़ हैं। नुमान आप क्या मंज़र लेना चाहते हैं? सूरज की तस्वीर लेनी है। नौमी भाई इस वक्त सूरज की तस्वीर लेते हुए मिट्टी अभी जो है तकरीबन 250 किलोमीटर और हमें 3 से 4 घंटे लग जाएंगे तो आई थिंक पकार हम लोग निकलेंगे। ड्राइव का एक अलग मज़ा है, कहाँ कहाँ रोकने। इस वक्त हम थरपारकर में मौजूद हैं और सामने है अलखिदमत हॉस्पिटल थरपारकर। यहाँ पे हम लोग नाश्ता करने के लिए रुके हैं। नाश्ते का ऑर्डर कर दिया है, क्या ऑर्डर किया है? सही, इस जगह का नाम क्या है? ये मिट्टी है, ये थरपारकर नहीं है, ज़िला थरपारकर है। थरपारकर सिटी आ गए, ज़िला थरपारकर और शहर का नाम मिट्टी है। अच्छा सही। नगर पार्कर के रास्ते में बहुत सारे मोर नज़र आए, उनमें से एक मोरों का चुड़ी है। हम नगर पार्कर की हदूद में दाखिल हो चुके हैं लेकिन हमारे कैमरे ले लिए रेंजर्स की चेक पोस्ट पे रेंजर्स वालों ने, लेकिन मोबाइल फ़ोन को अलाउ कर दिया। इस वक्त नगर पार्कर शहर आने में तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का फासला बाकी है। वसीम भाई जो हैं उनका नींद के मारे बुरा हाल हुआ है इसलिए अब उन्होंने गाड़ी चलाने की जिम्मेदारी नुमान आलम भाई को दी है। नुमान आलम जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो ना हंसते हैं और ना किसी से बात करते हैं।
हम नगर पार्कर पहुंच चुके हैं। ये वो होटल है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पर बनाया है, मगर इसके रेट बहुत ज़्यादा है। इस रोड को देखकर स्कर्दू शहर के रोड की याद आ रही। ये पाकिस्तान का आखिरी पेट्रोल पंप है, ये सो पाकिस्तान के लिए नगर पार्क। अब तो उसके बाद पाकिस्तान खत्म है ना। ओह आई एम सॉरी। अभी कहाँ लेके जा रहे हो हमें आप? और 0 पॉइंट कितनी देर लगेगी? एक घंटे से पहले नहीं पहुँचे, रास्ता खराब है। ये नरिया सर डैम है और इसमें सब पानी नहीं है, खुश्क हुआ हुआ है। जब बारिश होती है तब इसमें पानी आता है और इस वक्त हम कच्चे रास्ते के थ्रू जा रहे हैं चुड़िया मंदिर और बॉर्डर की साइड पे। रास्ता बड़ा मज़ेदार है, जीप बहुत अच्छी है, हिलाते जुलाते ले जा रही है। ये दूर एक सहरा में मस्जिद, हमें जो लेके जा रहे हैं इनका नाम जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम जान सकता हूँ भाई? मैं प्रेम चंद साहब। कब से गाड़ी चला रहे हैं? 25 साल हो चुके हैं। वसीम एजाज साहब जो के हमारे साथ जा रहे हैं रन ऑफ कच्छ देखने। मिस्टर बकाल कुरैशी, कैन यू एड्रेस सम कमेंट्स और नॉट? नगर पार्कर मेरी तवक्को से ज़्यादा अच्छा निकला है। अच्छा शहर है, अच्छे लोग हैं और मौसम बहुत अच्छा है। और जो जगह घूमने के लिए हम जा रहे हैं वो यूनिक प्लेसेज है पाकिस्तान में। जिस जगह का नाम एक बहुत ही लंबे सफ़र के बाद जो कि कच्चे से होके गुजरता है, हम इस मंदिर पर पहुँचे जो कि चूड़ियों वाला या माता का मंदिर कहलाता है। और हम लोग इस वक्त मंदिर की तरफ गामजन हैं। इस वक्त रेंजर्स की एक गाड़ी भी यहाँ पे खड़ी हुई है नीचे। ये कबूतर किस तरह बैठे हैं देखो, ये मंदिर शुरू हो गया है। यार यहाँ पे कुछ वो बना हुआ है, कहाँ लगा? हाँ ये रहा ना बॉर्डर, यार आ जाओ छाव में बैठ के देखते हैं। सकते ये माता का मंदिर है, ये मंदिर है, ये मंदिर अभी मंदिर है, मंदिर तो वही है परले वाला, इस तरफ वाला है। अच्छा अभी बना रहा है भाई। अच्छा आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर सवाई। आप यहाँ पे खिदमतगार हैं जी? आप यहाँ पे? अच्छा अच्छा जी। ये वाला जो व्यू है बहुत ऑसम है। yes. इस व्यू के लिए ही हम कहा जाए तो नगर पार्कर आए थे। नो डाउट इन इट। वसीम भाई फैंस तुम्हें नज़र आ रही है क्या? क्लियर? बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है मुझे।
ये बेसिकली इंडिया का बॉर्डर है। तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पे यहाँ पे फेंस लगी हुई है। जगह मजे की है। सफ़र करने के बाद अभी हम वापस नगर पार्कर आ गए। हर कोई बहुत ज़्यादा थक गया है, मोहित भी थक के अभी आराम कर रहा है। हमने खाने का ऑर्डर किया हुआ है। वसीम भाई ने अंडा घोटाला मंगाया अपने लिए, मोबाइल में चेक कर रहे हैं और क्या मंगवा सकते हैं। नुमान भाई जो हैं वो बहुत ज़्यादा ही उदास हैं क्योंकि इनसे कैमरा छीन लिया है ना उसके बाद से बड़े ऐसे ही पड़े हैं। बाकी हमारा रिज़ॉर्ट सामने ही है ये पुलिया क्रॉस करने के बाद। नगर पार्कर से वापसी पर इस्लाम कोट के नाम से एक शहर है, उसके हदूद में दाखिले पर हमें ये बहुत खूबसूरत होटल नज़र आया, तो हमने यहाँ पर डिसाइड किया कि यहाँ पर खाना खाएंगे। इस होटल का नाम है दुबई होटल इस्लाम कोट। आज के ट्रिप के बारे में यही कहूँगा कि देखें, बहुत सारी जो पॉइंट्स होते हैं, लोकेशंस होती हैं, उनको आप पहले से अपने माइंड में लेके जाते हो कि यार हमें ये बड़ी खूबसूरत जगह है, हम इसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। लेकिन इस ट्रिप की मुझे ख़ास बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये प्री डिसाइडेड या प्लान नहीं था, ये एक समझ लें आप कि हम खुद ही निकले, हमने कहा कि हम पाकिस्तान को एक्सप्लोर करते हैं और स्पेशली जो हमारा इंटीरियर सिंध है उसको एक्सप्लोर करते हैं। और ये एक हम आज पॉइंट पर आए नगर पार्कर, तो यहाँ जो पूरा ट्रैवल था कराची से शुरू हुआ और वहाँ तक जाने पर और फिर वहाँ से आगे मज़ीद बॉर्डर तक जाने पर जो हम गए, वहाँ हमने देखा फैंस जो हमें पीछे पूरा रन ऑफ कच्छ का एरिया नज़र आया, बहुत ही अमेजिंग था जो ट्रिप था, वो बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट हुआ। और बाकी बारिश ने इस ट्रिप को और अच्छा कर दिया। सुना था कि सिंध में मोर बहुत ज़्यादा हैं, बट मोर इस तरीके से नज़र आएंगे वो हमने कभी नहीं सोचा था। एग्जैक्टली और मैं जो भी ये व्यूअर्स हैं हमारे देखने वाले हैं उनको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये इसको एक्सप्लोर करने का पर्पस और आप लोगों तक पहुँचाने का मकसद यही है कि आप लोगों को पता चले, अवेयरनेस हो कि यार पाकिस्तान में हमारे सिंध में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से स्पॉट्स पॉइंट्स मौजूद हैं। तो मैं सबको ये एडवाइस करूँगा कि वंस इन अ लाइफ एक बार इसको एक्सपीरियंस ज़रूर करें, आप आएँ यहाँ इसको, इस वैली को जो आगे पूरा ये एरिया है इसको एक्सप्लोर करें, तो दिस इज़ ट्रेमेंडस अमेजिंग, आप इंजॉय करें। एक कली जातुडू पना।